Hi beauties, and welcome back to my channel. And in today's video I will tell you how I get rid of my facial hair. It's totally up to you कि आप इसे follow करना चाहते हैं या नहीं, but ये मेरा तरीका है जिस तरह से मैं handle करती हूँ अपने facial hair को. ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसे follow करें. So now let's start. So let's talk about all the methods. What are the methods जिससे आप अपने facial hair को tackle कर सकते हैं. सबसे first is threading, जो कि बहुत common है, but ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप बहुत टाइम तक थ्रेडिंग कराते हैं तो आपका वो एरिया डार्क हो जाता है. एंड ऑल्सो माई स्किन इज वेरी सेंसिटिव टू थ्रेडिंग. सो मेरे फेस पर जो प्रॉब्लमैटिक एरिया है बेसिकली माई अपर लिप एरिया, अपर लिप हेयर. सो मैं वहाँ थ्रेडिंग नहीं करा सकती बिकॉज वो एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और थ्रेडिंग मुझे सूट नहीं करता है वहाँ पे. नेक्स्ट इज फेशियल शेविंग. फेशियल शेविंग अगर आपने एक बार करा तो आपको हर अल्टरनेट डेज करना पड़ेगा, जो कि अगेन नॉट पॉसिबल फॉर मी बिकॉज आई वॉन्ट समथिंग जो कि थोड़ा एटलीस्ट फॉर अ मंथ आई विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस हैसल. सो शेविंग इज नॉट अ ऑप्शन फॉर मी. यू कैन डेफिनेटली ट्राई फेशियल शेविंग अगर आप हर दूसरे दिन अपना फेस शेव कर सकते हैं तो. नेक्स्ट इज वैक्सिंग. लॉट्स ऑफ पीपल डूइंग वैक्सिंग टू गेट रिड ऑफ देयर फेशियल हेयर, बट अगर ये आप लॉन्ग टाइम तक करते हैं तो आपकी जो स्किन है सैगी हो जाती है ड्यू टू ऑल दैट पुलिंग एंड टगिंग ऑफ द हेयर. जो स्किन है वो लूज हो जाती है उस एरिया की. नेक्स्ट इज द लेजर ट्रीटमेंट. लेजर हेयर रिमूवल डेफिनेटली बेस्ट है बट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव एंड आपको उसके मेंटेनेंस सेशन लेने पड़ते हैं आफ्टर एवरी सिक्स मंथ. सो विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर मी. नेक्स्ट एंड द लास्ट मेथड ऑफ गेटिंग रिड ऑफ फेशियल हेयर इज ब्लीच, विच आई यूजुअली डू. मैं बहुत टाइम से अपने फेशियल हेयर ब्लीच कर रही हूँ. अभी तक मुझे एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा है, बट इफ यू हैव वेरी वेरी सेंसिटिव स्किन then please avoid bleaching your hair. Now let's talk about the bleaching method and what are the things that you should keep in mind before doing this. First let's talk about the best bleach product. So if you have a sensitive skin ke liye fem ki bleach bahut achhi hai. Unki jo gold bleach hai usme pre facial cream bhi aati hai jisse आपकी अगर सेंसिटिव स्किन है तो उससे थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता है. तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप फेम ब्लीच ट्राई कर सकते हैं. बट नाउ अ डेज माई फेवरेट ब्लीच इज दिस आस्टाइन बेरी फ्रूट ब्लीच. आस्टाइन बेरी फेशियल एंड ब्लीच बहुत अच्छे हैं ये प्रोडक्ट्स. यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट. तो मैं आजकल यही यूज कर रही हूँ. वन मोर थिंग कि अगर आप फर्स्ट टाइम ब्लीच कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप पैच टेस्ट करें. सबसे पहले उसे अपने हाथ पे लगा के देखें और 24 आवर्स तक वेट करें कि कुछ रिएक्शन तो नहीं हो रहा है. अगर आप ब्लीच कर रहे हैं तो उसे इवनिंग या नाइट टाइम में करें, क्योंकि उसके बाद आपकी स्किन थोड़ी सन सेंसिटिव हो जाती है और बर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो इसलिए ब्लीच लगा के धूप में ना निकलें. इसलिए रात को सोने से पहले या शाम को ब्लीच करें तो ज़्यादा अच्छा होगा. नाउ ब्लीच घर पे कैसे करें? तो जितना भी आप ब्लीचिंग एजेंट लेते हैं उसका 1/4 आपको एक्टिवेटर लेना होता है. तो रेशियो जो है 1:4 होता है, यानी कि 1/4 पार्ट जो है वो पाउडर होता है, एक्टिवेटर होता है, और जो बाकी का पार्ट होता है वो क्रीम होता है. तो जितना भी आप क्रीम प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका 1/4 पार्ट आपको लेना होगा पाउडर पर. उसका अच्छे से मिक्स करेंगे, अपने पूरे फेस पे लगाएंगे. मेक श्योर कि आप अपने आईब्रोज की तरफ और हेयरलाइन के पास बहुत ही केयरफुली लगाएं, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू ब्लीच योर आईब्रोज एंड हेयर लाइन. सो आईब्रोज को, अंडर आई एरिया को और लिप्स को अवॉइड करते हुए पूरे नेक पे एंड ऑल्सो ऑन योर ईयर हम लगाएंगे ब्लीच. उसे छोड़ देंगे 15-20 मिनट्स के लिए. नाउ इफ यू हैव अ डार्कर स्किन तो मेक श्योर कि आप बीच बीच में चेक करते रहें, क्योंकि डार्कर स्किन पे अगर आप बहुत टाइम तक ब्लीच रखते हैं तो हेयर जो है बहुत ज़्यादा लाइट हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा विजिबल
पर्पल दिखते हैं जो कि अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपकी डार्कर स्किन है तो बीच बीच में चेक करते रहें, 5 मिनट के बाद थोड़ा सा हटा के चेक करें कि हेयर ब्लीच हुए हैं या नहीं। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स आप वॉश करेंगे अपना फेस विद कोल्ड वाटर। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्रीम को। किसी भी तरह का फेस वॉश या फिर सोप यूज नहीं करना है नेक्स्ट 24 आवर्स तक। और ऑल्सो ब्लीच को हटाने के लिए भी किसी तरह का सोप या फेस वॉश नहीं यूज करना है, ओनली वाटर यूज करना है। एंड ऑल्सो कभी कभी ना जब हम ब्लीच लगाते हैं तो थोड़ी ज्यादा एक्टिवेटर की वजह से ईचिंग होने लगती है जो बहुत नॉर्मल है। तो अब जब आपको ईचिंग हो तो आपको रब नहीं करना है, यू जस्ट स्प्रेड इट देयर या फिर आप वहां से ब्लीच हटा दें तो बेटर होगा। कभी कभी रैशेस भी हो जाते हैं ब्लीच लगाने के बाद, बट डोंट पैनिक, जस्ट अप्लाई एलोवेरा जेल और आइस ऑन दैट एरिया और वो 24 आवर्स में काम डाउन हो जाएगा। तो यूजुअली जो रैशेज होते हैं जब आप थोड़ा ज़्यादा एक्टिवेटर उसमें डाल देते हैं उसकी वजह से होते हैं। जो पाउडर है वो आप थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं उसकी वजह से होते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टाटा।